ये जो बिल मेरे साथी श्री किशन रेड्डी जी ने सभागृह के समक्ष लेकर आए, उस पर पक्ष और विपक्ष के काफी सदस्यों ने इसकी चर्चा में हिस्सा लिया है। होना तो ये चाहिए था कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो बिल है इसके लिए इस सदन के अंदर यूनेनिमिटी होती, एक वाक्यता होती, एक सोच होती तो देश भर के अंदर एक अच्छा मैसेज जाने की संभावना थी। खैर, सबने अपने अपने तरीके से काफी मुद्दे खड़े करे हैं, पर मैं सारे मुद्दों का एक एक कर उत्तर दूंगा। उपसभापति महोदय, सबसे पहले कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटी के विरोध के एक्ट में बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस लंबित है, सजाओं का प्रमाण बहुत कम है, इस प्रकार के उल्लेख काफी सदस्यों ने किए। माननीय सदस्य कपिल सिब्बल जी से शुरुआत होकर अंत तक ये बात होती थी। मैं थोड़ी स्पष्टता आपके माध्यम से इस गृह के सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि उन्होंने दो आंकड़े मिक्सअप करके सदन के सामने रखे। ये एक्ट राज्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केंद्र की एजेंसी एनआईए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो टोटल आंकड़े दे दिए उन्होंने, हर राज्य का आंकड़ा भी इसमें समाहित है, एनआईए का आंकड़ा भी समाहित है, तो मैं थोड़ा सिर निर अलग करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सदन के सभासदों के सामने एनआईए के आंकड़े रखना चाहता हूं। 31/7/2019 तक एनआईए ने कुल 278 मामले ये कानून के अंतर्गत रजिस्टर किए। 278 मामलों में से 204 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया और कुल 54 मामलों में अब तक फैसला आया है, और 54 में से 48 मामलों में सजा हुई, तो सजा का दर 91% है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दुनिया भर की सभी एजेंसियों में सजा का दर अपनी एनआईए का सबसे ज्यादा है, ये सदन के ध्यान पर। कुल 221 आरोपियों को सजा हुई है और 92 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त किया है, और जो चार्जशीट करने का मामला है उसमें भी 1 जून 2014 से 19 तक, जुलाई तक, 198 में से 131 मामलों में चार्जशीट भी दायर कर दिया गया है। इसलिए दलील किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है कि कानून का सिर्फ बनाने की प्रक्रिया होती है, इसका उपयोग आतंकवाद को रोकने के लिए नहीं होता है। सभापति महोदय, जिहादी किस्म के केसों में 109 मामले रजिस्टर करे गए, वामपंथी उग्रवाद के मामले में 27 मामले रजिस्टर किए गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग हथियारी ग्रुपों के खिलाफ 47 मामले रजिस्टर किए गए, खलिस्तानवादी ग्रुपों के ऊपर 14 मामले रजिस्टर किए गए हैं, फॉरेन करेंसी के दुरुपयोग के लिए और हवाला के लिए 45 मामले रजिस्टर किए गए और अन्य 36 मामले रजिस्टर किए गए, और सभी मामलों में कोर्ट के अंदर चार्जशीट करने की प्रक्रिया कानून के तहत हुई है। आज तक एक भी केस में चार्जशीट न करने के कारण किसी को मुक्ति नहीं मिली। तो ये जो बात कही गई यहां पर कि कानून सिर्फ बनाते हैं, इसका उपयोग नहीं होता है, और आतंकवाद की रोकथाम के लिए इसका कोई उपयोग नहीं, तो और कड़ा क्यों करना, ये तर्क मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। दूसरा कहा गया
कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की जरूरत क्या है। सभापति महोदय, ये आतंकवाद के खिलाफ जो मामले एनआईए रजिस्टर्ड करती है वो बिल्कुल जटिल प्रकार के मामले होते हैं। इनके अंदर साक्ष्य मिलने की संभावनाएं कम होती है, अंतर्राज्य मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। और जब एनआईए के अंदर एनआईए एक दरखास्त लेकर आती है कानून का उपयोग कर अभी हम संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर सकते हैं, ये जब करते हैं तो चिदंबरम जी ने कहा कि भाई संस्था तो व्यक्ति से बनती है, जब संस्था को आप आतंकवादी घोषित करते हो तो व्यक्ति को घोषित करने की जरूरत क्या है। मेरा तर्क भी आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही भी है कि संस्था व्यक्ति से बनती है, इसके संविधान से नहीं बनती। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं, प्रतिबंध लगाने में उसके इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं, तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है, मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के। और कई उदाहरण है माननीय, अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता बंद, नई दुकान खोली उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली, कब तक प्रतिबंध लगाती जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। और ये कानून आतंकवाद कोई अपने अकेले देश की समस्या नहीं है मान्य, आतंकवाद वैश्विक समस्या है। दुनिया के कई देशों के अंदर आतंकवाद से पीड़ित सबने अपने अपने कानून बनाए, हम तो थोड़ा लेट ही हो गए। माननीय, मैं बताना चाहता हूं, यूएसए में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, चीन में करते हैं, इजराइल में करते हैं, यूरोपियन यूनियन में करते हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1333 के तहत यूएन भी घोषित करते हैं। और मुझे नहीं मालूम पड़ता कि हमें क्या डर पड़ा है मन के अंदर। और दुरुपयोग की बात कम से कम कांग्रेस के मित्र न करे तो अच्छा है, क्योंकि दुरुपयोग क्या उनका जो इतिहास है, मैं कहने जाऊंगा तो 7 तारीख तक मेरा भाषण चालू रहेगा, मगर दुरुपयोग का इतिहास खत्म। इनको मैं इमरजेंसी की याद दिलाना नहीं चाहता, क्या किया था इमरजेंसी, देश के सभी अखबारों पर ताले, दूरदर्शन सरकार का सारे गम गाता था, और सारे के सारे नेता जेल के अंदर 19 महीने तक, किसी को कोई लोकतंत्र देश के अंदर रहा नहीं था। और आप हमें दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, जरा अपना पास्ट देख लीजिए। और दुरुपयोग क्या क्यों किया था, देश पर खतरा था ना जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के इलेक्शन को रद्द कर उनको प्रधानमंत्री न रहने के लिए बाध्य किया, इसलिए दुरुपयोग किया था। और आप हमें दुरुपयोग की बात करें, अभी एक भाषण किया माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय, मैंने उनको नहीं टोका, मैंने उनको नहीं टोका। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही, आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआईए के 3 केस के अंदर ही सजा नहीं, क्यों नहीं हुई भला? मैं बताना चाहता हूं इस सदन को क्यों नहीं हुई, ये तीनों मामलों में पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं बताता हूं मान्यवर, प्लीज प्लीज
मान्यवर सरकार में नहीं जाएगा। ये समझौता एक्सप्रेस मान्यवर, मैंने आगे कहा था यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस में पहले कोई आरोपी पकड़े गए, बाद में अचानक लगा कि चुनाव साथ में आता है, कुछ संस्थाओं पर आरोप लगाना है, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाना है, आतंकवाद को एक कलर से पेंट करना है, तो समझौता एक्सप्रेस के पकड़े गए लोगों को छोड़ा और नकली मामला बनाकर समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों को पकड़ने का काम किया। मान्यवर ये कह रहे हैं कि क्यों छूट गए, कोर्ट का जजमेंट जरा पढ़ लीजिए क्यों छूट गए, क्योंकि एनआईए कोई साक्ष्य खड़ा नहीं कर सकी। और आप कहोगे कि हमने सत्ता में आकर करा, मैं ये भी मामला स्पष्ट कर देना चाहता हूं मान्यवर, समझौता एक्सप्रेस का चार्जशीट 2013 में हुआ, 2012 9 अगस्त 2012 में हुआ, पूरक चार्जशीट 12 जून 2013 में हुआ, हमने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करे, साक्ष्य तो चार्जशीट के अंदर रख दिया आपने, जांच पूरी कर दी और वो जांच के अंदर जज को भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर बरी हुए हैं। जवाब तो आपको देना है मान्यवर, उनको देना है जो आरोप आज लगा रहे हैं कि ये आरोपी अगर निर्दोष थे तो बम धमाका करने वाले को क्यों छोड़ दिया गया, किसका गुनाह है, छोड़ने का काम किसने किया, किसने पॉलिटिकल एजेंडा ले गए। इसी तरह से मक्का मस्जिद का भी चार्जशीट हमने नहीं किया सर, चार्जशीट उन्हीं के समय में हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी उन्हीं के समय में हुए। मान्यवर आप किसी को भी कोई आरोप करते हैं तब कम से कम इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है अगर सोच लेते तो आज मुझे लगता है कि ये बात उनको कहने का मौका नहीं मिलता। मान्यवर जहां तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करने का सवाल है, मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसे क्यों उपयुक्त है वो सदन के सभी सदस्य अच्छे से समझ जाएंगे। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी यासीन भटकल कई मामलों में 2009 से वांटेड था मान्यवर, और उसके बाद कलकत्ता पुलिस ने उसको पकड़ा, इसने अपना फर्जी नाम दिया, चेहरा निशान कुछ था नहीं, और उसको छोड़ दिया, उसकी जामीन हो गई और वो वहां से निकल गया। अगर 2009 में यासीन भटकल को टेररिस्ट घोषित कर दिया होता तो देश के सारे पुलिस स्टेशनों में सारी एजेंसियों में उसका फोटो भी होता, फिंगरप्रिंट्स भी होते और पूरी डिटेल होती और यासीन भटकल वही कलकत्ता की पुलिस से एनआईए की जद में आ गया हो। मान्यवर ये जो हम घोषणा कर आए इसमें ह्यूमन राइट का भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को आप आतंकवादी घोषित कर दोगे बात में क्या है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपील के लिए सरकार की कमेटी बनी है, एक दलील आई सरकार की कमेटी तो आपकी ड्राइंग रूम कमेटी है। मैं बताना चाहता हूं ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमारे यहां सरकारी कमेटियां अच्छी तरीके से काम करती है। फिर भी इसके बाद रिव्यू कमेटी, इसमें अपील होती है, इसके चेयरमैन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज या मुख्य न्यायाधीश होते हैं और ये रिव्यू कमिटी एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, इसके अंदर भी इसके खिलाफ अपील हो सकती है और उसके बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो घोषित कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम ठप्पा लग गया, किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने वाला है। चार स्टेज पर इसकी स्क्रूटिनी का प्रोविजन हम मान्यवर लेकर आए हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। मान्यवर सरकारी एजेंसियों को इतनी सारी शक्तियां देना, इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग, काफी सदस्यों ने इसकी शंका व्यक्त करी है। इसके अंदर यूपीए में मैं जो संशोधन लेकर आया हूं मान्यवर, उसमें आतंकवादी कब घोषित कर सकते इसकी व्याख्या की, ऐसा ही नहीं है कि किसी को कर देंगे। मान्य सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ही है रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मान्यवर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे ही कर देंगे।
दिग्विजय सिंह जी और उन्होंने कहा आश्वासन देना चाहिए. यू आर स्पीकिंग विदाउट माय परमिशन, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड. प्लीज दिग्विजय जी सुनिए सुनिए, अब सुनने का समय. व्हाट इज दिस? सभापति महोदय उन्होंने तो यू हैव स्पोकन, दे डिड नॉट डिस्टर्ब यू. मैं जरा भी नहीं किया सर, जरा भी नहीं किया. दिस इज नॉट द वे. यू आर नॉट सपोज टू रेस्पॉन्ड विदाउट माई परमिशन. नो बडी इज सपोज टू रेस्पॉन्ड. मान्यवर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा उस वक्त उप सभापति महोदय चेयर में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आश्वस्त करे, तो मैंने कर दिया उनको आश्वस्त. इसमें बुरा लगने का कोई कारण नहीं है. आतंकवादी कम घोषित होना चाहिए. आतंकवादी काम करता है या उसको भाग, इसमें आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेता है, आतंकवाद के लिए तैयारी करने में मदद करता है, आतंकवाद को अभिवृद्धि कराने में इसकी कार्य योजना बनाते हैं और आतंकवादी संस्थाओं में, घोषित आतंकवादी संस्थाओं में संलिप्त है. मुझे लगता है चार जो बिंदु तय किए गए हैं इसकी परिधि के अंदर ही एक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, होने वाली है, और उसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए माननीय सभापति महोदय. और एक सवाल जो आया है कि इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग होता है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं, मैं तो अमेंडमेंट लेकर आया हूं, ये कानून लेकर मैं नहीं आया. और समय के साथ साथ आतंकवादी संस्थाएं जितनी आगे बढ़ी है, वो दो कदम आगे बढ़ती है, तो हमारी एजेंसियों ने माननीय चार कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद रुकेगा. हमारी एजेंसियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा. ये कानून मैं लेकर नहीं आया, कानून 1967 में आया माननीय को, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की. 2004 में पहला अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की. 2008 में दूसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की. 2013 में तीसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की. और उस वक्त ये सारे लोग यहां बैठते थे साहब, सारे लोग ट्रेजरी बेंच पर थे. लंबे लंबे भाषण है, एक एक घंटे के भाषण है, 40-40 पृष्ठ के भाषण है इसके पक्ष में. वहां जाते ही नजारा भी बदल गया, नजर भी बदल गई, भाषण भी बदल गए. ऐसा कैसे चलता है माननीय? हमने तो 2004 में भी समर्थन किया था, 8 में भी किया था, 13 में भी किया था, और आज लेकर आतंकवाद के खिलाफ जो जो कठोर कानून लाते हैं, जो भी सरकार लाती है मान्यवर, इसका सबने स्वागत करना चाहिए, सबने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी के साथ वो नहीं होते, वो खिलाफ होते हैं तो इंसानियत के खिलाफ होते, किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं होते. आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ होते, आतंकवादी इंसानियत के खिलाफ होते. इसलिए इसको, इसके लड़ने के लिए जो भी कठोर कानून लेकर आता है उसका हमने समर्थन करना चाहिए. मान्यवर एक बात यहां काफी सदस्यों के द्वारा रखी गई कि एसपी से पीआई तक आप डाइल्यूट कर रहे हो इसको, इसका भी मैं मान्य सदस्यों के जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ये पीए कानून जो है मान्यवर, ये स्टेट पुलिस भी इस्तेमाल करती है और एनआईए भी करती है. स्टेट पुलिस के एक्ट के अंदर आईओ ही आमतौर पर जो होता है वो पूरी छानबीन करता है, पूरे पूछताछ करता है, चालान भी वो तय करता है, कोर्ट में पेश भी वो करता है, और सारी चीज आईओ होती है, और वो पीआई कक्षा का अधिकारी होता है. इसलिए इसमें एसपी का प्रोविजन रखा गया है. जहां तक एनआईए का सवाल है माननीय, एनआईए एक विशिष्ट रूप से बनाया गया कार्यबल है. श्री चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे तब बनाया गया, और इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की तय की गई. एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जवाब आते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, ये सारी चीजों को एसपी लेवल पर, डीवाईएसपी लेवल पर रिव्यू होता है, अंततोगत्व आईजी और डायरेक्टर एनआईए के लेवल पर भी रिव्यू होता है, और उसके बाद में चलान कोर्ट के सामने जाता है. तो जो स्टेट पुलिस है इसके काम करने के नियम और मानक अलग है, एनआईए के काम करने के नियम और मानक अलग है. और माननीय तकलीफ क्या होती है, जो एनआईए को दिक्कत क्या आती है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं. 298 केस है, करीब
30 के आसपास एसपी है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम नहीं, एक आध दो इधर उधर हो सकता है, 30 के आसपास एसपी है। चलान करने तक जब एनआईए नहीं बनी तब तक तो ठीक था, अब केस कोर्ट में आ गए, जो आईओ होता है उसने कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ता है माननीय, और 30 एसपी, एक सेकंड बाद में सवाल पूछिए ना, और 30 एसपी जो है माननीय वो पूरे देश में बिखरी हुई कोर्टों के अंदर उपस्थित होने में दिक्कत आती है, इसलिए ये पीआई कक्षा के अधिकारी को ये अधिकार दिया है। परंतु जो महत्वपूर्ण फैसले हैं एनआईए की रिव्यू मीटिंग के अंदर भी ही होते हैं, एनआईए ने इस प्रकार का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव खाका तैयार किया है, इसके अंदर होता है, तो मुझे लगता है कि इसको इससे कोई डायल्यूजन इन्वेस्टिगेशन के अंदर होने की संभावना बहुत कम, एक सब चीजों का जवाब दूंगा भाई, संभावना बहुत कम है। और माननीय इससे ये अमेंडमेंट करने से केस चलने की गति में काफी बढ़ोतरी हो, द्रुत गति से केस चल पाएंगे, क्योंकि पीआई उपलब्ध होते हैं, 30 एसपी इतने सारे राज्यों में उपलब्ध होना असंभव है डे टू डे हियरिंग के अंदर। दूसरा आया कि भाई आप एनआईए के डीजी को अधिकार दे रहे हो, स्टेट के डीजी को अधिकार छीनकर, स्टेट के डीजी का किसी ने अधिकार नहीं छीना, स्टेट पुलिस जिस यूएपीए के का केस को जांच कर रही है उसमें स्टेट पुलिस के पास ही है, और एनआईए जो जांच करती है, जांच जब अपने हाथ में लेती है तब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूचित करती है कि केस हम ले रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय कक्षा का केस है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का केस है। जब चिदंबरम साहब बिल लेकर आए थे तब उन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, इसी गृह में एक्सप्लेन किया है, और वो प्रोसीजर के तहत ही केस ट्रांसफर होता है एनआईए को। अब जब एनआईए का जांच कर रही है तब स्टेट पुलिस के डीजी का संपत्ति की जब्ती के लिए परमिशन लेना इसलिए अनुचित है माननीय, कि पूरे फैक्ट तो इनके पास होते हैं, पूरे फैक्ट इनके पास होते हैं, स्टेट पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन की मालूमात ही नहीं है। और अब इस प्रकार की भी संपत्तियां हुई है कि डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के सोना भी रखते हैं, बाकी सारी चीजें भी रखते हैं, और चिदंबरम साहब आप बाद में फिर से प्रश्न पूछिएगा, मैं फिर से जवाब दूंगा। और ये उनकी जो संपत्तियां पड़ी है इसमें जरा सी भी देरी होती है तो संपत्ति ट्रांसफर करने का संभावना पूरी की पूरी रहती है, इसलिए एनआईए में भी डीजी कक्षा के अधिकारी होते हैं और देश के सीनियर मोस्ट 8-10 डीजी में से सीनियर व्यक्ति को वहां बनाया जाता है। तो मुझे लगता है इस पर किसी ने आशंका करने की जरूरत नहीं है। माननीय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर हम एक मत के साथ यहां से पारित करते हैं, लोकसभा में भी कुछ 5-6 सदस्य छोड़कर सबने समर्थन किया है, तो विश्व भर के अंदर हमारी एजेंसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्व भर के आतंकवादियों के अंदर भी एनआईए की धमक बढ़ेगी, हमारे कानून की धमक बढ़ेगी, और कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी ये सदन एक मत है ऐसा एक संदेश जाने से मुझे लगता है आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में हमें बहुत समर्थन। तो इतना लोगों को नहीं मिले, नॉट टू ऑल, मिस्टर चिदंबरम, मिस्टर चिदंबरम, he has raised the discussion. Both the chair and the honorable host. 8 people, 10 people ask, I can't give, na? Leaders are there in the front, leave it to them. Mr. Hussain Dharwai, please. Absolutely clear.